उन्होंने अपने 74 वर्ष के जीवन काल में से 58 वर्षों तक समाज की सेवा की। अगर वह चाहते तो उससे उच्च पद पर आसीन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा और शिक्षा को प्रदान कर दिया। उन्होंने 1886 में, जैसा कि सर बता रहे थे, लाहौर में स्थित डीएवी कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में आसीन हुए और 1911 तक उस पद पर पदस्थापित रहे। उसके पश्चात उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि अब इस पद पर किसी और को मौका मिलना चाहिए। वे कभी भी पद के लोभी नहीं थे। वे चाहते थे कि समाज के जो कभी कुचले वंचित वर्ग है उनके लिए वो कुछ कर गुजरे। ऐसे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बाल्यकाल में ये बताती हैं कि वे बचपन से ही समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उनका जन्म हुआ था। एक बार उनकी गांव की एक माता जी ने उनको खत पढ़ने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, तो वे उनके घर गए और उन्होंने खत पढ़ा। तो माता जी कहती हैं कि हंसराज पढ़ते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरी शिक्षा आपके काम नहीं आ सकी तो मेरा पढ़ना बेकार है। तो इस तरह वे एक धार्मिक तो थे ही प्रवृत्ति के, जो कि उनके पिता से उनको मिला था और उन्होंने निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया। He was a very bright student
in his educational career. So there is option that he could have been posted in a very high position under the British rule. But he had not opted for that, rather dedicated his life for expansion of education and social reformation in British India. He believed that the salvation of mass is only possible through education. At that time, there were so many social ills, and against it, already Maharshi Dayananda Saraswati had started his contribution, and through Arya Samaj, the foundation which was laid, it was extended by Mahatma Hansaraj. Hansaraj naam hi havan ka shubh sant mat ki vatan ka Hansaraj naam hi gagan ka suraj ki roshni tapan ka sadhvi ke sang bank pan ka ऋषि के सागर से सपन का साधक के संग बांकपन का ऋषि के सागर से सपन का हंसराज नाम है हवन का शुद्ध संत मर्द के वचन का हंसराज नाम है गगन का सूरज की रोशनी तपन से सपन का साधक के संग बांक पन का ऋषि के सागर से सपन का हंसराज नाम है चमन का एक गांव का नहीं वतन का हंसराज नाम है चमन का एक गांव का नहीं वतन का पारस पर चंबल से मन का कंचन से मन का हंसराज नाम है हवन का शुद्ध संत मन के वचन का हंसराज नाम है हवन का शुद्ध संत सूरज की रोशनी तपन का साधु के संग बांक पन का ऋषि के सागर से सपन का साधु के संग बांक पन का ऋषि के सागर से सपन का ऋषि के सागर से सपन का ऋषि के सागर से सपन का
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं